ड्रामा सीरियल खुमार की नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि नासिर चाहे हरीम के खिलाफ जितनी भी साजिशें कर ले, फायज के सामने एक दिन सारी हकीकत खुल जाएगी। फिर फायज को भी इस बात का पता चलेगा कि हरीम तो बिल्कुल बेकसूर है, ये सब कुछ तो उसकी मां ने और नासिर ने मिलकर किया था ताकि हरीम मुझे छोड़ दे। फिर आगे आप देखेंगे कि जब फायज को इस बात का एहसास होगा कि हरीम बेकसूर है तो वो हरीम से मिलने आता है और उससे माफी मांगता है। फायज इस बात का इतराफ कर लेता है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है, तुम्हारे साथ जुल्म किया है। फिर फायज हरीम से कहता है कि अब मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा, तुम मेरे साथ घर चलो, मगर हरीम उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। हरीम फायज से कहती है कि तुम वापिस चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि हरीम फायज से कहती है कि मेरी मोहब्बत का आपने ये सिला दिया, मुझे बद किरदार कहकर अपने घर से निकाल दिया था, मुझ पर एक बार एतबार किया होता मगर आपने तो मेरे एतबार को रोन दिया था। ये सुनकर फायज के पास कोई जवाब नहीं होता तो उस पर फायज हरीम से कहता है कि इस बात का तो यही मतलब है कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। जरा सोचो, अगर तुम मेरी जगह पर होती तो तुम क्या करती? क्या हरीम फायज को माफ करके उसके साथ घर वापिस चली जाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें। वीडियो को लाइक कर दें।